बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के परिवार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी पहले ही कोरोना संक्रमित हो गए थे और अब उनकी बहू और पोती भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। मांझी की तबीयत पिछले 3-4 दिनों से खराब थी, जिसके बाद उनका कोरोना जांच करवाया गया था। बाद में उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी थी और अपने संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह भी दी थी। मांझी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके परिवार के अन्य लोगों की भी कोरोना टेस्ट करवाई गई, जिसमें उनकी बहू और पोती संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी के सभी स्टाफ और उनके संपर्क में आए नेताओं की भी कोरोना जांच कराई गई है। इनमें कई लोगों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, ज्यादातर लोग निगेटिव है, लेकिन कई अभी भी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मांझी अपने स्टैंड रोड स्थित सरकारी आवास में ही फुल आइसोलेशन में है। हम पार्टी का दफ्तर भी यही चलता है, लिहाजा तत्काल 7 दिन के लिए इसे बंद कर दिया गया है। स्टैंडर्ड आवास में किसी के भी आने जाने की मनाही है। मांझी के संक्रमित पाए जाने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दोनों स्थगित कर दिए गए हैं।